भारत में कई ऐसी जगह हैं जो कई रहस्यमयी चमत्कारों से भरी हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधिवन। मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यही कारण है कि हर शाम आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। आज जन्माष्टमी है, इस मौके पर हम आपको बताते हैं निधिवन के बारे में कुछ आश्चर्यचकित बातें। वृंदावन में निधिवन श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण हर रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर सोते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों में बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम का तातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई और लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। है ना ये आश्चर्यजनक। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव को जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने की कोशिश की, वो सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है, यानी वो पगला सा जाता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन यकीनन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है ये तो एक शोध का विषय है। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गादी और बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वो प्रसाद बिल्कुल गायब हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वो प्रसाद। कहते हैं यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। तुलसी का एक पत्ता भी यहां से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया वो भारी आपदा का शिकार हो गया। इसी मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहां के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही ये दोबारा से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां तक नहीं है। जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना देखे। अगर देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा।